दोस्तों क्या आप जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमी कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल पे? हर कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उसे कुछ बेसिक नीड्स चाहिए, जिनमें ऑयल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और हम ये बात भी जानते हैं सिर्फ अरब कंट्रीज में ही ऑयल एक्सपोर्ट होता है। लेकिन क्या होगा अगर इसकी सप्लाई ही बंद कर दी जाए? चलिए इसे 1973 अरब इसराइल वॉर से समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम योम किपुर वॉर से भी जानते हैं। 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया इसराइल पे एक सरप्राइज अटैक करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा थी वो इसराइल का सपोर्ट करती है, क्योंकि इजिप्ट मुस्लिम कंट्री थी, इसलिए जितनी भी अरब कंट्रीज थी उन्होंने इजिप्ट और सीरिया का साथ दिया। इस समय सऊदी अरेबिया के बादशाह थे किंग फैसल, जो गुस्से में आके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ अनाउंस करते हैं कि वो वेस्टर्न कंट्री में ऑयल सप्लाई बंद कर देंगे। इसका नतीजा ऐसा निकलता है कि ऑयल शॉर्टेज की वजह से हर तरफ प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी क्राइसिस हो जाते हैं, इन कंट्रीज के मिलिट्री ऑपरेशंस पे इफेक्ट पड़ जाते हैं। इस इवेंट से साफ दिखता है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का कितना ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है पूरी दुनिया पे इनके इस एसिड की वजह से। लेकिन सवाल ये है, क्या आज भी हमें इतनी ज्यादा नीड है ऑयल की? जिसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है ऑयल पे डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए, जैसे प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ। अब देखना यह है अरब एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम कंट्रीज की इकोनॉमी पे इसका कैसा असर पड़ता है, और वो जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो पाथ नेटवर्क।